जैसा कि हम आपको एनआईटी का वीडियो दे चुके हैं, ट्रिपल आईटी का दे चुके हैं, तो यहाँ पे जेएफटीआई के बारे में बताने वाले हैं कि कितना रैंक तक आपको जेएफटीआई कॉलेज मिल जाएगा। जैसा कि टोटल सीट 11,295 बचा हुआ है सीट वैकेंसी में, जो कि अभी रिलीज किया गया है सीएसएफबी के लिए। तो यहाँ पे हम हाईएस्ट रैंक सेकंड राउंड तक क्या आपको मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेस्ट के लिए आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा। नो रिस्क नो गेम, यहाँ पे बिना रिस्क के आपका काम नहीं होने वाला है। आप अगर फर्स्ट राउंड के बाद ही निकल जाते हैं तो आपका काम खराब हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इंग्लिश चैनल के थ्रू 5 सालों से हम गाइड कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक नॉमिनल से चार्ज लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हम जीएफटीआई के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, सीएससी, ईसी और लोअर ब्रांच। लोअर मतलब कितने हाई रैंक तक भी आप उस कॉलेज में जा सकते हैं किसी भी ब्रांच के साथ। तो जनरल के लिए 30 और 42 हज़ार, ईसीएस के लिए हो गया, ईसी के लिए 45 हज़ार, लोअर के लिए 2,50,000। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का 35 और 47, ओबीसी के लिए 40-50, एससी के लिए 1,60,000 और 1,90,000, ये हो गया आपका सीएससी के लिए, और एसटी के लिए 1,70,000 और 2,00,000 इसका कट ऑफ रहेगा। सीएससी के लिए ईसी और लोअर के लिए आप साइड वाइज चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो जो स्लैश के बाद है सीएस में, वो फीमेल स्टूडेंट के लिए, अगर आप फीमेल हैं तो ईसी और लोअर में भी थोड़ा बहुत रैंक ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब टॉप 10 का बात करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं फिर से एक बार, काउंसलिंग के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में आपको सिर्फ रिग्रेट होगा अगर आप बिना जानकारी के रिस्क लेंगे सीएसएबी काउंसलिंग में। तो इसलिए हम गाइडेंस के लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज लेंगे, उसके बाद आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे अपने फैमिली मेंबर की तरह, कभी भी कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कि मेरे काउंसलिंग गाइडेंस में किस तरह से आपको हेल्प मिलेगा, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे आपको जितने भी काउंसलिंग करते हैं अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हेल्प दिया जाएगा। डिपेंड करता है कौन से काउंसलिंग लेते हैं उस पर आपका चार्ज, तो वो फिक्स नहीं। एक बार आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसमें सारे तरह के काउंसलिंग आप साइड बाई चेक कर सकते हैं, जोसा, सीएसएबी, जगदरी, जग चंडीगढ़, मणिपाल, एसआरएम, अमृता, बिटसेट, जितने भी हैं सब कुछ, ओजेई, डब्ल्यूबीजेई, सारा कुछ इसमें आता है। तो आप किसी भी काउंसलिंग के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। कॉलेज सिलेक्शन, कॉलेज कंपैरिजन, चॉइस फिलिंग कैसे करना है आपको, उसके बाद आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सारा कुछ हम आपको डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है मेरे गाइडेंस का, वो 24x7 आपको हमेशा, आप कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं कॉल के लिए। सुबह 10 बजे से मिडनाइट तक हम अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बाकी के साथ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो लोग आपसे वेबसाइट पर पैसे लेंगे और 4-5 दिन बाद कॉन्टैक्ट करेंगे, बस एक चॉइस फिलिंग लिस्ट दे देंगे। तो चलिए बात करते हैं टॉप 20 का। तो 80,000, 1,00,000, 1.5, 3,00,000, 4,00,000, ये हो गया सीएससी का मेल स्टूडेंट का कट ऑफ, फीमेल का आफ्टर स्लैश, और साइड वाइज ईसी और लोअर का भी आप चेक कर सकते हैं, डिटेल में दिया गया इन्फॉर्मेशन। इसके बाद टॉप 20 का बात करें तो 1,10,000, 1,30,000, 1,90,000, 4 और 5 लाख सीएससी के लिए, ये हो गया मेल का, आफ्टर स्लैश फीमेल का है और साइड वाइज ईसी एंड लोअर का। इसके बाद फिर लोअर का अगर बात करें, लोअर जीएफटीआई मतलब किसी तरह का जीएफटीआई में कैसे जाए सीएस ब्रांच के साथ, तो 1,60,000 रैंक तक मिल जाएगा सीएससी, ईडब्ल्यूएस को 2,00,000, इसके बाद ओबीसी के लिए 2,40,000, एससी के लिए 5 और एससी के लिए 6,00,000, ये हो गया पूरा इन्फॉर्मेशन। साइड वाइज आप बाकी भी देख सकते हैं। इसी तरह से हम ट्रिपल आईटी और एनआईटी का भी दे चुके हैं इन्फॉर्मेशन, आप उसको चेक कीजिए और काउंसलिंग अच्छे से कीजिए, तो आपका एक साल बच सकता है या फिर आपको लूज भी करना पड़ेगा एक साल, नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करेंगे, या फिर आपका पैसा जा सकता है, या फिर आपका पहले का सीट चला जाएगा और खराब सीट मिल जाएगा। तो प्लीज आप अच्छे से काउंसलिंग करें, यही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू।